नीलगाय अब तक किसानों के लिए ही परेशानी का सबब बने हुए थे, लेकिन अब सड़क पर चलते लोगों के लिए, वाहनों के लिए भी नीलगाय परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जहानाबाद में सामने आया, जहां नीलगाय से टकराकर यात्रियों से भरी एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में टेम्पो में सवार एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद 3 घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ऑटो चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घटना काको थाना क्षेत्र के कड़डुआ पुल के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टेम्पो पर सवार होकर सभी यात्री घोसी से जहानाबाद जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई और उससे टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सड़क किनारे पलट गया, जिससे में टेम्पो में सवार महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से 3 घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से टेम्पो चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने पटना PMCH रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने बताया कि नीलगाय से टेम्पो की टक्कर हो गई। हादसे के शिकार 3 लोगों का जहानाबाद में इलाज चल रहा है। 2 की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन टेम्पो चालक की स्थिति गंभीर देखते हुए PMCH रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। गाड़ी आ रही थी और आगे से नीलगाय आके टकरा गई। अच्छा। रोड सीधे सीधे पार कर गई। अच्छा। कौन सी गाड़ी थी? ऑटो है छोटा। डुमरी से आ रहे थे यहाँ अपना बच्ची को ले जाने बभना। ठीक है, तो उसी स्थान में मैंने काजी सराय मोड़ पे नीलगाय पार हो रहा था, उसी अवस्था में उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या चीज से आ रहे थे? टेम्पो से। कितने लोग सवार थे उसमें? उसमें पीछे 4-5 लोग थे। अच्छा। कितने घायल कितने हैं? इसमें 3-4 को घायल, 4 को घायल है। हाँ। क्या स्थिति है सबका? कोई भी होश है, कोई नाक में रगड़े, कोई जांग में रगड़ाल है, सब तो यहीं आ रहे हैं सरकारी में सर। वहाँ से नीलगाय गाड़ी आ रहा था, उसके आगे से नीलगाय पार हो रहा था, टकरा गया नीलगाय। टकरा गया उसी में? टेम्पो पलट गया था। टेम्पो पलट गया। RTA का केस है। एक नीलगाय जा रही थी, टेम्पो वाला आई थिंक स्पीड ज़्यादा होगा और दोनों टकरा गए हैं। इसमें 3 आदमी थे, जिसमें से ड्राइवर की स्थिति बहुत सीरियस है, बाकी 2 मरीज जो है ना वो ठीक है, स्टेबल है। और जो सीरियस मरीज उनको पटना रेफर किया जा रहा है। अच्छा। उनको पेट में चोट है, माथा में चोट है और पेशेंट था ड्राउजी, ड्राउजी मतलब फुल कॉन्शियस नहीं है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो नई दिल्ली है, उनके तरफ से जो है सभी राज्यों को निर्देश जारी किया गया है कि आप नशा मुक्ति को लेकर जो है जागरूकता कार्यक्रम करें और कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उसी को लेकर यह कार्यक्रम आज संचालित किया गया है। एक और कार्यक्रम इसके साथ टैग है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। माता पिता भरण पोषण और वरिष्ठ नागरिक अधिकार नियमावली 2012, ये बिहार सरकार की जो नियमावली बनी हुई है, ये बेसिकली जो है 2007 के अधिनियम पर बेस्ड है। इसके लिए माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के क्या अधिकार है कानून के तहत जो ये संरक्षित है, इस पर भी, इसको लेकर भी जो है ये कार्यक्रम आयोजित है। अभी आपके समक्ष ही आपने देखा कि जिला पदाधिकारी, DDC सर, SDPO सर, CDPO मैडम, अपर हेल्थ के लोगों ने जो है सभा को संबोधित किया है। और ये कार्यक्रम आज शुरुआत भर है, इस कार्यक्रम को हम आगे भी ले जाएंगे। NCODE की यहाँ समिति बनी हुई है, मीटिंग्स भी होती हैं, मद्य निषेध को लेकर, ड्रग्स एडिक्शन को लेकर, उनको प्रिवेंशन के लिए लगातार काम हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जो है बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं हो रहे हैं। उसमें हमें कामयाबी बहुत मिली है, लेकिन अभी भी छुपाकर ये ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है। तो अवेयरनेस को हथियार हम बना रहे हैं, अवेयरनेस को हथियार बनाकर जो है हम प्रिवेंशन करेंगे। और स्काउट एंड गाइड, NCC, नेहरू युवा केंद्र, आशा दीदी, जीविका की दीदी, ICDS की टीम, शिक्षा की टीम को जोड़ने का ध्येय ये है कि अपने यंगस्टर को जो है हम बचा सके और माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम की भी जो है जानकारी उन्हें उपलब्ध करा सके। बंगाल है या कुछ दक्षिण में झारखंड है, तो उसको डायरेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। उस राज्य में निर्माण हो रहा है या फिर दिवाली हो रही है, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से हो रही है, आबकारी के तहत बता